अन्य द्रव्य रसायन बनाने के लिए पके हुए चावल में हमने मिलाया है गुड़, और इस गुड़ मिले हुए अन्न को हम ले जा रहे हैं एक पेड़ के नीचे गड़ाने के लिए। कोई भी ऐसा पेड़ जिसमें मीठे फल आते हों, जिसके फल पकने पर मिठास उनमें आता हो, ऐसे पेड़ के नीचे हमको जितना चावल है उसके बराबर का गड्ढा खोदना है। तो ये हमने गड्ढा खोद लिया। गड्ढा 1.25 फुट से ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने में ही जीवाणुओं की कॉलोनी रहती है। बस गहराई तो पर्याप्त हो गया है, हमें इस चावल को गड्ढे में गड़ाना है जीवाणुओं को लाने के लिए, थोड़ा सामने विशेषकर इस तरफ काटना माइकोराइजा सामने को। से। तो पेड़ के नीचे इस तरह हमने गड्ढा कर लिए। अब केले के पत्तों को गड्ढे के साइज के आकार ऐसा काट लेना है। केले के पत्ते इसलिए काटना है कि ये गड्ढे में हम इनको डालेंगे तो ये सड़ते नहीं हैं, और दूसरा जो नकारात्मक फंगस और बैक्टीरिया हैं वो हमारे चावल में नहीं आएंगे, क्योंकि केला जो है ये पॉजिटिव ऊर्जा का उच्च स्रोत है, इसमें सकारात्मक ऊर्जा खूब रहती है। तो नकारात्मक जीव, फंगस, वायरस, बैक्टीरिया आएंगे नहीं, इसलिए अच्छे से जो है चारों तरफ केले को ऐसा रख लें। और अब इसमें जो है डालना है अपने को चावल। डालो वो पत्ता भी दे। पत्ता मोड़ मोड़ कैसे कर दो? हाँ भाई सी बस पहन दो, हो गया। पत्ती डालना शुरू कर दो। हम ठीक ये अन्न द्रव्य रसायन की ये स्थिति, अभी ये पत्ते निकल रहे हैं। बिल्कुल साफ सुथरा, बढ़िया है, कितना अच्छा हो गया देखो। बहुत बढ़िया, इसमें भी सुगंध है, सुगंध भी अच्छा आ रहा है ना। हाँ निकालना, इसे निकाल। अब देख इतना दिन रखा हुआ चावल भी 19 कितना बढ़िया है। 25 दिन हो गए, 25 दिन का रखा चावल निकालो। साफ सुथरा है बिल्कुल, ये देखो ये केले के पत्तों का कारण सड़ा नहीं हुआ, कोई और पत्ता होता सड़ जाता और सब जमीन में चले जाते, इसलिए तो मैं केले के पत्ते डलवाता हूँ। ये हमने बनाया अन्न द्रव्य रसायन, और आपने देखा कितना बढ़िया जो है ये बनकर तैयार हुआ है। ये 25 दिन हो गया ये यहाँ पर रखे हुए,
ये अन्न द्रव्य रसायन जो है हमको 15 दिन यहाँ रखना चाहिए, और 15 दिन में निकाल करके फिर इसको पानी में घोल करके और खेतों में डाल देना चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये रेडीमेड अन्न द्रव्य रसायन बनकर तैयार हो गया। और ये अन्न द्रव्य रसायन बना रहे हैं हमारे शिवेंद्र अजीत जी। शिवेंद्र जी ये बताओ, इसको आपने जो है इसमें क्या क्या मिलाया था? इसमें हम चावल जो है, हाँ जो चावल बच गया था, हाँ? हमारे जो है सामूहिक भोजन का जो चावल बच गया था उसी चावल में गुड़ डाल के रख दिए, और नीचे ये गड्ढा किए यहाँ पर, और नीचे केला पत्ता डाला। केला पत्ता डालने के बाद फिर वो चावल और गुड़ का जो मिश्रण था उसके ऊपर से केला पत्ता डाल के फिर से मिट्टी से दबा ढक दिए। उसके बाद ये हमारा 25 दिन में बढ़िया तैयार हो चुका है। हाँ, अब इसको हम इसको रखना 15 ही दिन है लेकिन, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए घोल के डालिए इसको। अभी हम जा रहे हैं बेलजी भाई जैविक खेत में, जहाँ अन्न द्रव्य रसायन को घोल करके हम फसलों में डालेंगे। ये है बेलजी भाई जैविक खेत, चारों तरफ पेड़ पौधे, सब हरा भरा। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, अन्नात भवति भूतानि, अन्न से जीवों की उत्पत्ति होती है। इस सूक्त के आधार पर मैंने बनाया है ये अन्न द्रव्य रसायन। इस अन्न द्रव्य रसायन का मैं करने वाला हूँ ये मेरे खेत पर उपयोग, कि इसको डाल करके कैसे जीवाणु विकसित होते हैं। एक बार हमने इसमें डाल दिया है और आप देखिए कि हमारे खेत में जो धान का जो कलर है वो नेचुरल कलर है। ये अभी हमारा धान जो है 15 दिन का तैयार हुआ है, और इसकी कलर देखिए आप कितना डार्क है। तो इसमें अन्न द्रव्य रसायन का भी बहुत बड़ा योगदान है। हमने एक बार इसको घोल बना के डाला है, अब हमने रेडीमेड अन्न द्रव्य रसायन बनाया है कि गड्ढे से निकाल के सीधे खेतों में घोल घोल के सीधे डालेंगे। 7 दिन घोल के रखने की ज़रूरत नहीं है, तो वो अभी हम आपको इसका प्रयोग करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे पानी, फिर उसके बाद लेंगे अन्न द्रव्य रसायन और अच्छे से घोल लेंगे। अब हम इसमें मिलाने वाले हैं जैव रसायन। ये जो है ये जैव रसायन है, ये हमारे पास बेल का तैयार है, किसी और का भी बना सकते हैं। ये हमको डालना है इसमें लगभग 250 ml तक। ये है ग्लूकोस, तो जीवाणुओं को हमने ये ग्लूकोस दे दिया। अब इसको खेतों में सीधे फेंकना है। इस तरह से फेंकने से पूरे जीवाणु मिट्टी में चले जाते हैं, जड़ों के माध्यम से पौधों को ग्लूकोस भी मिल जाता है। अब आप देखिए मात्र 15 दिन में रेतीली मिट्टी में हमारे पौधे कैसे ग्रो कर रहे हैं। मात्र 15 दिन का ये पौधा है, जड़ों का विकास देखिए कितना बढ़िया जड़ों का विकास हुआ है। ये देखिए ये मिट्टी का बहाव वाला, यहाँ पर ऊपर से बहुत तेजी से पानी आता है तो मिट्टी के बहाव के कारण कुछ जड़ जरूर धुल गई हैं, पर वो मैंने आपको दिखाया कि अगर हम जैविक खेती करते हैं प्रॉपर, ये सब जो है मैंने जो प्रक्रिया शुरू से की है वो करते हैं, तो इस तरह से पौधे तैयार हो जाते हैं। पका था उतना, प्रकृति की महिमा है भाई, नहीं तो ऐसे रखेंगे तो सब कितना खराब हो जाता है, तब फफूंद लग के सब हो जाते हैं।